फिर आजकल जिनके पास ज्ञान नहीं है वो तो अगर सड़क किनारे 5 रुपये पड़े हुए मिल जाए तो भी कहते हम धन्य हो गए। धन्य शब्द का इस्तेमाल साधारण चीजों में नहीं हो सकता। धन्य होने का मतलब है कृतार्थ हो गए, जो चाहते थे सब मिल गया। मैं अपने गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगता हूं, तुम्हें ऐसी लाड़ी प्राप्त हो कि तुम्हारा घर धन्य हो जाए, ऐसा पुत्र ऐसी पुत्री तुम्हारे आंगन में जन्म लेकर के खेले कि तुम्हारा घर धन्य धन्य हो जाए, माता पिता धन्य हो जाए, तुम ऐसे बनो कि दूसरों को भी धन्य कर दो। कुछ लोग नगर में ऐसे जन्म ले लेते हैं जो पूरे नगर को धन्य कर देते हैं, कुछ लोग केवल अपने घर को ही धन्य कर पाते हैं, कुछ लोग स्वयं को भी धन्य नहीं कर पाते, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब बर्बाद कर दिया। तो वो बालक अपने पिता से पूछता है, कहता पिताजी एक प्रश्न खड़ा हो गया कि ये जो दुल्हन है वो रो रही है, दुल्हन के माता पिता रो रहे हैं, दुल्हन का भाई और उसकी बहनें भी रो रही है, पास पड़ोस की स्त्रियां भी रो रही है, और जो दूल्हा है उसका बाप भी रो रहा है, आंसू पोंछ रहा है, लेकिन ये दूल्हा केवल हंस रहा है, इसका क्या कारण है, ये रो क्यों नहीं रहा है? तो बाप ने कहा, बेटा ये केवल आज भर हंस ले, कल से इसको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। बस आज जितनी खीसे काटना काट ले, कल से सब खीसे निकल जाएंगे। तो जिनकी मान्यता है कि शादी में सुख है, थोथी मान्यता है, शादी में भी सुख नहीं है। ब्याहे परेशान कुंवारों को अरमान खाम खां है राम, लेकिन शादी ना करना ये कोई आसान बात नहीं, और शादी ना करके सादा रहना, इन्हीं संसार के भोगों की ओर आकर्षित ना होना, ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों की मान्यता है कि साधु बन जाओ तो बहुत सुख है, वास्तव में सुख है, लेकिन लोफड़ साधु के लिए सुख नहीं, इसमें भी लोफड़ आते हैं, फोकट लाल झूठ बोलते हैं, बीड़ी पीते हैं, इधर उधर झांकते हैं, बदतमीजी करते हैं, साधु जैसे कपड़ा लपेट लिया, मेरे जैसी पगड़ी बांध लिया, और ये भी बता देते हैं हम संगदेव के शिष्य हैं, तो लोग सोचते हैं आओ महाराज, उनको सुख नहीं मिलेगा, उनका गली गली अपमान। असंग का अर्थ क्या है? जिसके ऊपर कोई कुसंग का प्रभाव ना पड़े, और जो कुसंग से बहुत दूर ही रहे, और सत्संग में हमेशा डूबा रहे, और सत्संग करते करते असंग स्वरूप आत्मा का बोध प्राप्त कर ले, उसको असंग कहते हैं। जब मेरा नाम पूज्य श्री क्षमादेव जी ने ट्रांसफर किया, चेंज किया, पहले नाम था रमाशंकर, तो उन्होंने कहा आज से नाम असंग है तुम्हारा। मैंने कहा ये थोड़ा अटपटा है गुरुदेव, कुछ और नया रख दो। तो मेरे गुरुदेव बड़े सिद्धांतवादी है, मैंने कहा इसका तो अर्थ भी नहीं मालूम मुझे, कुछ अर्थ समझ में नहीं आता असंग। बोले एक बार जो मुख से निकल गया वही रहेगा, तो हमने कहा चलो पक्का है। फिर अर्थ उन्होंने समझाया, बहुत गहरा अर्थ है। असंग होने का अर्थ है कमल हो जाना, कमल जैसी जिंदगी जिसकी हो वह असंग हो गया। कमल की जड़ तो कीचड़ में रहती है,
और कमल का तना पानी में रहता है, लेकिन कमल का फूल कीचड़ और पानी से बिलग रहता है। इसलिए कमल बड़े बड़े लोगों के लिए संज्ञा बनता है। कर कमल, पद कमल, मुख कमल, नयन कमल। गुलाब उससे सुंदर है, लेकिन गुलाब वो जगह नहीं पा सकता जो कमल को मिलती है। कमल का मतलब है निर्लिप्त, वही अर्थ असंग का है। असंग हो जाओ, ठीक संत बन जाना। और जो ठीक से संत बन गया, जिसके मन में भी विषय विकार नहीं, कर्मेन्द्रियाणि या संयम आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सह उच्चते। श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्म इंद्रियों को तो बस में कर लेता है, लेकिन मन के भीतर भीतर विषयों की तरफ आकर्षित होता रहता है, कृष्ण कहते हैं वह मिथ्याचारी पाखंडी होता है, वह त्यागी नहीं होता है। जिसका मन भी बस में, थोड़ा ताली जोर बजाया करो, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारे साथ में 2 घंटे में हम भी निपट जाएंगे। हाँ, बजाओ, पहल करो, बस बजाने में टाइम बर्बाद मत करो। थोड़ी देर में ट्रायल कर लो, आगे बढ़ो। साहिब साहिब साहिब, यह तो इंद्रियाणि नियम्यार्भते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम असक्ता सह विशिष्यते। जो कर्मेंद्रियों के साथ साथ अपने मन को भी बस में रखता है, मन में भी सोचता नहीं है, आकर्षण नहीं है, कृष्ण कहते हैं वह व्यक्ति योगी कहलाता है। तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी तुम कर्म करते हो, तुम्हारा हर कर्म सुख के लिए है। और जहां जहां तुमको फील होता कि सुख मिलेगा, वहां वहां तुम प्रवृत्त हो जाते हो। सुख के लिए तुम कभी कभी गलत भी करते हो, पाप भी करते हो, सुख के लिए कभी कभी अच्छा भी करते हो, पुण्य भी करते हो। तुम्हें ये फील हो जाए कि यहां सुख है, फिर तुम वो कर देते हो। लेकिन याद रखना, सुख कहां है ये अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है। जैसे यहां पर तुम बैठे हो, अगर पूछो पानी कहां है, इसका मतलब तुमको पानी नहीं मिला, तभी तो पूछ रहे हो पानी कहां है। पानी मिल जाता तो तुम खुद बोलते पानी यहां है। अर्जुन को भी सुख नहीं मिला है, कृष्ण के साथ में रह करके भी। पानी के अंदर डूबा हुआ पत्थर की चट्टान, पत्थर का टुकड़ा 1000 वर्ष पानी में उसको डुबा कर रखो, लेकिन बाहर निकाल कर जब उस पर हथौड़ा मारोगे तो उसके अंदर से आग की चिंगारी निकलेगी, उसके भीतर की आग बुझी नहीं है। याद रखना, कृष्ण के साथ में भी रह करके अर्जुन के अंदर के दुख की ज्वाला शांत नहीं हुई है, दुखी है अर्जुन। इसलिए विशाल देव कहते हैं कि वैराग्यवान के संग बिन होई नहीं वैराग्य, और संग तहु का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। वैराग्यवान के संग के बिना अपने अंदर वैराग्य नहीं होगा, लेकिन अगर वैराग्यवान की संगत भी मिल जाए तो भी फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारा मन सच्चाई से उसमें लगेगा नहीं। इसलिए कितने लोग महान पुरुषों के साथ भी रहते हैं और दुष्ट रहते हैं, ऊट पटांग बातचीत करते हैं, उल्टा पलटा व्यवहार रहता है। महान पुरुषों के साथ काम उल्टा है, क्यों?
क्यों? उनका शरीर तो है महान पुरुष के साथ में, लेकिन उनका मन उनके साथ नहीं लगा। अगर मन ठीक से जुड़ जाता तो बदल जाते। संगित हूं का फल न मिले बिन साचे मन ला। वाह वाह। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन शक्नोति है यह सोढ़ुं प्राक शरीर विमोक्षणात्। टूटोक में सुख का रास्ता बता रहा हूं, ज्यादा आपको बहकाऊंगा नहीं क्योंकि समय नहीं है। शक्नोति है यह सोढ़ुं प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवं बेगम सहयुक्ता सा सुखी न रहा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन सुख उनको मिलता है जो ये शरीर के नाश होने के पहले पहले अर्थात मरने के पहले अर्थात जीते जी इस शरीर में उत्पन्न हुए काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं। जिनके अंदर काम वासना का वेग उठा लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया, क्रोध जोर से आया लेकिन क्रोध को कंट्रोल कर लिया, सहयुक्ता है, वही योगी है, वही साधु है। योगी माने साधु। साधु ये कपड़ा पहनने से कोई थोड़े होता है, ये तो कपड़ा अमरवाड़ा की मार्केट में मिलता है, 5 मिनट में आप खरीदो पहनकर आ जाओ, हो गए साधु आप। ऐसे साधु नहीं बन सकते आप। कपड़ा बदलना आसान है लेकिन लफड़ा बदलना बहुत कठिन है। कपड़ा बदलने वाले साधुओं की कमी नहीं है। रावण भी तो कपड़ा बदल करके सीता जी के पास में आया था पंचवटी में, और सीता जी ठगा गई थी। सीता जी ने समझा कोई असली साधु आ गया है। तुम अगर कपड़े को साधु मानते हो, दाढ़ी को साधु मानते हो, जटा जूट को साधु मानते हो, तिलक चंदन को साधु मानते हो, माला वाला को साधु मानते हो, तुम जरूर धोखा खा जाओगे। याद रखना ये तो बाहरी चीजें हैं, इनमें साधुता नहीं होती है। ये तो साधु की पोशाक है, कोई भी पहन सकता है। साधुता तो अंदर होती है, जिसका नाम वैराग्य है, ब्रह्मचर्य है, जीत इंद्रियता है, मन की पवित्रता है, उसको साधुता कहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। आवाज सुनाई दे रही साफ सबको कि नहीं? कुछ गड़बड़ तो नहीं? ठीक है? नहीं, आवाज अपने हाथ में है, बदल सकता हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं, बताओगे तो सुधर जाएगी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कही न जाना, कहा कभी न पर कही न निजे परिताप द्रवहीन नवनीता, परे दुख द्रवहीशो संत पुनीता। संत इस सभा के अंदर बैठे हैं नर नारी, कोई 20% संत स्वभाव का, कोई 50% संत स्वभाव का साड़ी सलवार में बैठा है, कोई 80% भी संत स्वभाव लेकर के पेंट शर्ट कुर्ता पतलून पहनकर बैठा है। तुम पहचान न सकोगे, बाहर से सोचोगे ये संसारी है, लेकिन वो 80% संत हो चुका है। उसका मन संत है, विचार संत है, उसकी आंखें संत हो चुकी हैं, उसकी कान संत है, जीवा संत है। संत पोशाक से नहीं होता है, संत तो स्वभाव से हो जाता है।
और जब 100% संतत्व आता है ना, तब फिर हमारा रूप लेता है। मैं घर पर भी संत था, मुझे लोग वहां भी कहते थे बाबा जी, स्कूल में बोलते थे बाबा जी आ गए, डिग्री कॉलेज में पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, वहां भी प्रवचन सुनाता था, पीरियड खाली हो तो प्रोफेसरों को प्रवचन, विद्यार्थियों को प्रवचन, और रास्ते में कोई मिल जाए उसको भी प्रवचन, फ्री में प्रवचन, बिना मंच का प्रवचन, घर पर भी प्रवचन होता था। लोग कहने लगे तुम बाबा जी हो संत। मैंने कहा हूं नहीं, पूरा हो जाऊंगा थोड़े दिन के बाद, गुरु की तलाश है। 7 वर्ष तक गुरु की खोज किया मैंने, जल्दी बल्दी में गुरु नहीं बनाया, 7 वर्ष बहुत गुरुओं के पास गया, बहुत आश्रमों पर गया, वहां जमीन में पड़ा रहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कोई गुरु गांजा पी रहा है, कोई गुरु ऐसा भी मिला जो एक बुढ़िया रखे है। हमने कहा अरे छोड़ो इसको, ये क्या लफड़ा बना के रखा है, कोई सिगरेट पी रहा है, किसी के यहां तो बहुत चेली चाली सब चक्करबाजी है। मैंने कहा अरे संत होना है तो बिल्कुल क्लीन और निराला, ये लफड़ाबाजी वाला काम नहीं करना है, कोई भी नशा नहीं होना चाहिए, और संयम नियम पूर्ण मजबूत हो, इंद्रियां कंट्रोल हो, वह संत हो जाता है। मैं आपसे भी कहूंगा जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर संतत्व आएगा उतना ज्यादा तुम घर में भी सुख पाओगे। अगर तुम्हारे घर में सब्जी में तेल कम है, मिर्च कम है, नमक कम है, नमक भूल गया है और संतोष पूर्वक खा लिया तुमने, तो समझ लो तुम जीवा से संत हो गए, तुम्हारी जीवा संत बन चुकी। और तुमने नमक के लिए थाली फेंक दिया, पत्नी की चोटी पकड़कर घसीटा किचन से लाकर बाहर, तो समझ लो तुम फिर रावण दास हो, करो लड़ाई। संतोष और सहनशीलता, गम खाना भी सीखो, और सबसे ज्यादा अपने घर में गम खा लेना चाहिए। अभी भोपाल में तुम जाओ, तुम्हें कोई 10 गाली दे, तुम मुस्करा कर सुन लोगे और सिर झुकाकर चले आओगे, कुछ भी नहीं बोलोगे, वहां गम खा लोगे। दिल्ली में तुम्हारे पीठ में 2 मुक्का कोई मारे तो हंसते हुए लौट आओगे। कोई पूछेगा दिल्ली में कैसा लगा रहे, बोले क्या पूछना, दिल्ली केजरीवाल की दिल्ली है, 2 मुक्का लगा। लेकिन अमरवाड़ा में अगर कोई आंख दिखा दे तो कल तुम आंख निकालने के लिए चाकू लेकर आ जाओ। घर में सहो, अपनी मां की कठोर बात को भी सह लो। तुम्हारे वाइफ के मुख से कभी जोश खरोश में कोई कठोर बात निकल जाए तो सह लेना, उसको गांठ मत बांध लेना, कभी गलती हो सकती है, वो भी मायावी जीव है। एक स्त्री रो रही थी तो उसने कहा गुरुदेव तुम मेरी ससुराल गए थे, मैंने कहा मुझे मालूम नहीं तेरी ससुराल कहाँ है, बोले अभी इसके पहले प्रोग्राम करके आए हो वही है, हमने कहा मुझे क्या पता, बोले मेरे पति भी मिले होंगे, हमने कहा मुझे याद नहीं, नाम बताओ, नाम बताएं, छत्तीसगढ़ की बात, मैंने कहा मिले थे और वो रोज सेवा करते थे, अच्छे आदमी। फिर रोने लगी वो, जब मैंने कहा अच्छे आदमी तो रोने लगी, तो मैंने कहा रोई क्यों, बोले एक छोटी सी बात से उनका हमारा अलग अलग हो गया, उन्होंने छोटी सी बात कह दिया मैं सह नहीं पाई, बस टूट गए हम तो। फिर 1 साल के बाद मैं उसी गांव को फिर गया तो इसका पति मिला, वो पूछा कि क्या आप मेरी ससुराल गए थे, तो हमने कहा यार ये ससुराल वाला लफड़ा तो हम अपना ससुराल खत्म कर दिए, तुम्हारा ससुराल ये तुम क्या पूछ रहे हो बवाल फालतू, बोले नहीं नहीं मेरी वाइफ मिली थी आपको, क्या नाम है तो नाम बताया, मैंने कहा हाँ मिली तो थी,
बोले क्या मुझे याद कर रही थी? हमने कहा ये दोनों तड़फ रहे हो, चलो मैं ही मिला देता हूँ, फिर से साथ साथ रहो, क्यों परेशान हो रहे, थोड़ा गम खा लो, छोटे हो जाओ। दो में से एक भी अगर छोटे होने को तैयार है तो रिश्ता जुड़ा रहेगा, और दोनों अगर सिंह की तरह गरजेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। छोटे बन जाओ, और जो छोटा बनता है ना वही सबसे बड़ा हो जाता है। जब परशुराम क्रोधित हुए तो राम जी छोटे बन गए, और राम ने हाथ जोड़कर परशुराम से कहा कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष का भंजन करने वाला आपका कोई दास ही होगा, और कौन तोड़ सकता है इसको, तुम नाथ हो। राम जी ये नहीं कहते मैं तोड़ा हूं, मैं ऐसा किया हूं, अगर ऐसा बोल देते तो परशुराम जोश में वहीं उनको कुल्हाड़ी मार देते फर्श। परशुराम बहुत क्रोधी आदमी था, उसका बाप भी बहुत क्रोधी था। परशुराम का बाप भृगु जी, वो गुस्सा आती थी, ब्लड ग्रुप में गुस्सा थी, किसी किसी के घर में तो ब्लड ग्रुप में गुस्सा होती है। एक माँ मेरे पास बच्चे को लेकर आई, उसका बाप भी आया, उसने कहा इस बच्चे को गुस्सा बहुत आती है, तो बाप बोला मेरे को भी बहुत आती है। तो उस बच्चे की माँ ने कहा आती मेरे को भी बहुत है, तो मैंने कहा तो सब एक जैसा है, अच्छा है, आनंद करो। अरे बोले घर पूरा नरक बना हुआ है। तो हमने कहा अब सभी लोग नरक बनाए हो तो बनेगा ही पूरा नरक, गुस्सा कंट्रोल नहीं है। जिस समय तुमको बहुत क्रोध आए, जिस विषय पर क्रोध आ रहा है, उस विषय को थोड़ा विषयांतर कर दीजिए, विषय बदलिए, सब्जेक्ट बदलिए, रिजेक्ट कर दीजिए, कोई दूसरा विषय सिलेक्ट कर लीजिए। चर्चा का विषय चेंज करो, तुम्हारी मानसिकता हल्की हो जाएगी। दूसरा उपाय, एक गिलास ठंडा पानी पियो, मानसिकता बदलेगी। तीसरा उपाय, बाथरूम चले जाओ, हाथ पांव मुंह धो लो। चौथा उपाय, बेडरूम में चले जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो ठंडे दिमाग से। पांचवा उपाय, कोई ज्ञान की पुस्तक को बेडरूम में जाकर पढ़ो। छठा उपाय, मेमोरी कार्ड प्रवचन की लगाकर मोबाइल में थोड़ा सुनो। सातवां उपाय, पिछली बार जब जब तुमने गुस्सा किया है, क्रोध किया है, उलझन किया है, तब तब तुम्हारा क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या विनाश हुआ, और क्या क्या तुम्हें रिजल्ट मिला है, उसको जरा रिमेम्बरिंग करो, स्मरण करो, तो तुम पाओगे कि पूरा नुकसान बहुत बार हो चुका है। तो संकल्प ले लो कि अब गुस्सा को कंट्रोल रखूंगा। और गुस्सा कैसे कंट्रोल होगी? जब गम खाने की इच्छा रखोगे तो गुस्सा कम हो जाएगा। अपने पति जी को धन्यवाद देना। तुम्हारा पति यदि पुलिस में सर्विस करता है, कभी धूप में खड़ा है दिन भर, कहीं जंगल में खड़ा है, कहीं रात के अंधेरे में खड़ा है, कहीं जहां पर शेर बाघ भेड़िया वहां ड्यूटी लगी है, राइफल लिए खड़ा है। एक पुलिस का सिपाही हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ सुरक्षा में था, तो कह रहा था ये बोरा लाद कर खड़ा हूं, उस ड्रेस को बोरा बताया था। तो मैंने कहा इस ड्रेस को देखकर समाज के लोग तो बड़े खुश होते प्रभावित। अरे बोले ये सब बोरा लाते। बोला बहुत तंग आ गया, इतनी गर्मी में पसीना निकलता, यही पहने रहता हूं, क्या करूं। चोर बदमाशों के पीछे जान हथेली पर लेकर तुम्हारा पति पुलिस में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा पति शिक्षक है, जाकर के 7 घंटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाता रहता है, कैट कैट माने बिल्ली, सीएटी कैट, डीओजी डाग, डाग माने कुत्ता, रोज वही बात कुत्ता बिल्ली पढ़ाता रहता है। बहुत हैरान हो जाता है, ABCDEFGH और सब खिचड़ी फिचड़ी बनाता रहता है, हैरान हो गया। उसकी मेहनत को भी देखना, और तुम्हारा पति बुशर्ट की जो बटन लगाता है, कभी ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे, नीचे ऊपर लगा देता है,
क्योंकि उसका दिमाग भी ठिकाने नहीं है तुम्हारी व्यवस्था में। उस अपने ऐसे मेहनत करने वाले पति को जो दुकान पर बैठा रहा है 12-12 घंटे, जिस परिवार को पालने के लिए उसने अपना व्यायाम त्याग कर दिया है, टहलना बंद कर दिया है, फटाफट तैयार होकर दुकान पर भूखा प्यासा बैठा रहता है और उसका शरीर अस्वस्थ हो रहा है, तुम्हारा पति राजनीति में जाकर के दिन रात जागता है, भागता है, दौड़ता है और तुम्हारे लिए कमा कर लाता है, तुम घर में बैठ करके नई साड़ी पहनकर, होंठों में लाल रंग लगाकर और सिर में लाल रंग, बाल में लाल रंग, होंठों में लाल रंग, गालों में लाल रंग, पाँव में लाल रंग, नाखून में लाल रंग, लाल में लाल महाकाल भैरव बाबा। विचार करो ये ललाई कहां से आ रही है, ये तुम्हारे पति की तपस्या है। ऐसे अपने पति को भी धन्यवाद देना, थोड़ी प्रशंसा कर देना कि धन्य हो पति जी। आइए अब दूसरा प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि भक्ति कहां मिलती है और भक्ति से क्या क्या लाभ होता है। टॉपिक चेंज हो रहा है। कबीर कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुरु आनी। हे संतों, भक्ति कोई सदगुरु की कृपा से ही आती है। सदगुरु तुम्हारे अंदर छिपी हुई भक्ति का उद्घाटन कर देता है। भक्ति तो सबके अंदर छिपी है लेकिन उसको प्रकट करने वाला कोई सदगुरु दर्शन देकर, अमृत वाणी सुनाकर तुम्हारी भक्ति को सक्रिय कर देता है। भक्ति तो आपके अंदर है और आज तो इस अमरवाड़ा के पंडाल में ऐसा लग रहा कि सबके आंखों में भक्ति भरी हुई है, लेकिन कल के बाद ये भक्ति रहेगी कि खत्म हो जाएगी।